लक्ष्य शॉर्ट हैंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट पंचकुला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी शॉर्ट हैंड किताब का जो आखिरी चैप्टर है वो करने जा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, इस चैप्टर को समझने के बाद आप लोग बेशक से 10-5 रुपए का प्रसाद भी बांटें, क्योंकि इस किताब को अच्छे से करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके साथ कितने ही बच्चों ने शुरुआत की थी और इस चैप्टर तक आते आते कई बच्चे साथ छोड़ गए। ये मानो आपने इस किताब को जो पूरा किया है, तो आपने ये समझे आप लोग अपना आधी नौकरी जो गवर्नमेंट जॉब है वो हासिल कर चुके हो आप लोग। इसके बाद में तो बस आप लोगों को मेरी तरफ से निखारना और आपकी तरफ से निखरने का ही काम रहेगा। आप स्पीड में तो ऑलरेडी आप लोग लिख ही रहे हो, 90 तक की स्पीड से आप लोग टाइप भी कर रहे हो डिक्टेशनों को। अब तो हमने एक दो मैगजीन जो सीन की है वो करना और उसके बाद में अनसीन पे बहुत जल्दी आप लोग आ जाएंगे, अगर इस किताब को आपने अच्छे से कर रखा है तो। जो 30th चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर का नाम है फिगर्स। इस चैप्टर के अंदर बच्चों फिगर्स को किस प्रकार से लिखना है यह समझाया गया है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, समझे जरा आप। जैसे मानो बच्चों वर्ड आया 400, तो 100 के लिए हम लोग n का प्रयोग करते हैं, जैसे 400, 500, 600। मानो 100 की बजाय आ गया जी 1000। 1000 के लिए आप लोग इथ या ये जो चे है डबलिंग कर रखा है इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 4000 या 4000, 5000 या 5000, 6000 या 6000। अगर 100,000 आ जाए, 400,000, तो आप ये करेंगे 400,000 या 400,000, इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। अगर लाख आता है, लैक जो हम लोग बोलते हैं, जैसे 4 लाख, लैक, इसके लिए आप एल की डिसजॉइनिंग करेंगे, जैसे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। कल को करोड़ आ जाए तो उसके लिए के आर की डिसजॉइनिंग कर दी जाती है, जैसे 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। रुपीज जो वर्ड है बच्चों, रुपीज, उसके लिए नीचे से आर एस इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। जैसे वर्ड आ गया करोड़ ऑफ रुपीज, तो उसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, करोड़ ऑफ रुपीज, या रुपीज 500, रुपीज 500, रुपीज 10,000, रुपीज 10 लाख, रुपीज 10 करोड़। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। हमारी इंडियन करेंसी में इस प्रकार से होगा। कल को मानो फॉरेन की आ गई, तो मानो वर्ड आ गया 4 पाउंड, तो 4 पाउंड, 4 मिलियन, तो 4 मिलियन, 4 बिलियन, 4 बिलियन, इस प्रकार से आप लोग इसको करेंगे। इसमें साथ के साथ ये भी बताना चाहता हूँ बच्चों, कई बार जैसे मिलियन वर्ड आ जाता है, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ये तो आप लोग कर ही लोगे। कई बार डेट्स आ जाते हैं, जैसे 4th September 1993, तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 4th September 1993, या डैश लगा देंगे आप लोग। जहाँ 19 आएगा तो उसके लिए आप, जैसे वर्ड आ गया 1994 1995 1996, आज़ादी जैसे मिली थी 1947 या 1957, इस प्रकार से आप बनाएंगे। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि जैसे मानो आ गया 1994 95, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1994 95 1947 48
1386-87 इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। बच्चों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो आप लोगों ने बेड़ा उठाया था वो आज आपका कंप्लीट हो गया है। अब इस किताब में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम और दें, कंट्रैक्शंस वगैरह को अच्छे से करें, ध्यान से करें, और जो जो डिक्टेशन वगैरह जैसे मैं आप लोगों से करवाता हूँ आप लोगों ने अच्छे से की है, उनको थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो पिटमैन की किताब है ये ही हमारा बेस होता है। कोई भी मकान या मंजिल अगर उसकी नींव अच्छे से मजबूत बनाई जाए तो वो तभी सर्वाइव करती है। अगर मकान की नींव मजबूत नहीं है तो वो मकान मुझे नहीं लगता था उस टाइम तक चलेगा। एक भी भूकंप का झोंका या उसके ऊपर दो तीन मंजिले अगर हम लोगों ने बना दी, मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर आ गया तो मकान बहुत जल्दी ढह जाएगा। इसलिए हमारी नींव मजबूत होनी जरूरी है। और स्टेनो लाइन के अंदर अगर आपने बुक अच्छे से कर रखी है तो आगे तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो आप लोगों ने बुक में किया है वही आएगा। तो बच्चों फिर से यही कहूँगा, किताब के अंत में बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को फिर से। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमसे डिस्कस करें, पूछें, एक बार पूछें, दो बार पूछें, दस बार पूछें, हम लोग उस चीज़ को अपनी जिम्मेवारी मानते हैं आपके डाउट्स को क्लियर करना। और इसमें फिर भी आपको लगे कहीं कमी है तो इस बुक की जो एक्सरसाइज है उनको तो मैं टेस्ट लेता ही रहता हूँ, और भी अगर कुछ कमी होगी तो मैं भी आप लोगों को पर्सनली बताता हूँ, एक एक डिक्टेशन आप लोगों की चेक करते हैं, साथ में बैठा कर लिखवाते भी हैं।